आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक स्मॉल फिश है जो कि किसी लेक के सरफेस से 0.4 मीटर बिलो है। ये हमारा लेक का सरफेस है, वो इससे 40 सेंटीमीटर बिलो है, ठीक है। और उस लेक का जो वाटर है उसका मैंने दे रखे 4/3। हम क्या कर रहे हैं कि इस फिश को एक लेंस के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है हमारा, जिसकी फोकल लेंथ है 3 मीटर या फिर इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। और ये 0.2 मीटर हमने ऊपर रखा है, यानी 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस जो है लेक से, ठीक है। और इस तरीके से रखा है कि ऑप्टिकल एक्सेस बिल्कुल फिश को देख, फिश के बीच में से होकर जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि उस फिश की हमें इमेज कहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले हम जब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो हमें फिश की जो हाइट दिखेगी, एक तरीके से हमें क्या दिखेगी, जो फिश की इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन फिश की इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ये नहीं होगी, क्योंकि ये वाटर में, तो इसकी जो एपरेंट डिस्टेंस होगी वो इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो अभी क्या वैसे यू 20+40, लेकिन ये वाटर में होने की वजह से हम इसकी अपरेंट डेप्थ निकालेंगे और फिर देखेंगे यू यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, d' = d actual / μ, ठीक है। तो d एक्चुअल क्या है, 40 सेंटीमीटर, वाटर में इसकी डेप्थ कितनी, 40, यानी 40/μ क्या है हमारा, 4/3, तो ये होगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी अपरेंट डेप्थ होगी 30, यानी कि यहाँ से ये मान लो अपरेंट डेप्थ है इसकी, तो ये डिस्टेंस होगी 30, ठीक है। तो जो u की वैल्यू होगी, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो होगी हमारी, सॉरी ये 30 है यहाँ तक, ये +20 और है, ठीक है, ये 20 और ये 30। तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 था, इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया +20। तो u की वैल्यू क्या होगी हमारी, u = -20+30 cm, ठीक है। 30 है और 20 है, तो u की वैल्यू होगी, v की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। f की वैल्यू हमें दी है 3 मीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1/v = 1/f + 1/u, ठीक है। f की वैल्यू है हमारे पास 1/300 प्लस 1/u की वैल्यू है -50, ठीक है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 300 1 - 6, यानी कि -5/300, ये हमारा 1/v। तो v की वैल्यू क्या हो गई, ये होगी हमारी 60, -60 सेंटीमीटर, यानी कि इस लाइन से यहाँ से 60 नीचे, तो 20 है और 40, यानी कि जो हमें इमेज दिखेगी वो वहीं दिखेगी जहाँ हमारी फिश है। यानी एक तरीके से हमने क्या किया कि अगर हम इसे बिना लेंस के देखते तो हमें कुछ ऊपर दिखती है, क्योंकि अपरेंट डेप्थ हमें वाटर में इसकी अपरेंट डेप्थ दिखती है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल फिश की डेप्थ है उससे कुछ ऊपर दिखती, लेकिन इस लेंस की मदद से हमें फिश वहीं दिख रही है जहाँ एक्चुअल है, ठीक है, क्योंकि इसकी इमेज बन रही है यहाँ से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा था फाइंड द इमेज ऑफ फिश इन बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इमेज वहीं होगी जहाँ हमारी फिश है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।